मित्रों, रसायन के अध्ययन में हम लोग पृष्ठ रसायन के अंतर्गत आज इस वीडियो में जानेंगे अधिशोषण का अनुप्रयोग। अधिशोषण का अनुप्रयोग है क्या और कहां कहां पर इसका किया जाता है। दरअसल मित्रों, आज यह पृष्ठ रसायन के अंतर्गत नवा वीडियो होने वाला है आपके लिए। और आपको मित्र यदि हेडलाइंस चाहिए तो आप हमारे कक्षा 12 की पृष्ठ रसायन प्लेलिस्ट में जाके वहां से तैयारी कर सकते हैं। एक एक वीडियो मिलेगा आपको। अधिशोषण का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्बशन, उच्च निर्वात उत्पन्न करने में। पहला आता है उच्च निर्वात कर उत्पन्न करने में। दरअसल निर्वातित पंप के द्वारा स्थान या पात्र में निर्वातित करने के बावजूद भी कुछ मात्रा में गैसें बची होती है। इन गैसों को हटाने के लिए अधिशोषण का उपयोग किया जाता है। दरअसल मित्रों, अगर मान लीजिए आपको जिस रूम से, जिस पात्र से, जिस स्थान से गैस को हटाना हो, तो वहाँ आप एक निर्वातित पंप लगाएंगे, वहाँ से आप पूरे एयर वायु के खींच के बाहर कर देंगे, जिससे वह स्थान जो होगा वो निर्वात विहीन हो जाएगा, यानी वायु रहेगा ही नहीं, वायु विहीन हो जाएगा। और कुछ मात्रा में यदि वायु बची होती है तो वहाँ पर आप अधिशोषण के जैसे पदार्थों का उपयोग करेंगे, अधिशोषक पदार्थों का जैसे उपयोग किया जाता है। उसके बाद आता है गैस मास्क में। कोयले के खदानों में CO तथा CH4 जैसे इत्यादि गैसें, विषैली गैसें उत्पन्न होती हैं। इससे बचने के लिए जो वहाँ के वर्कर होते हैं, व्यक्ति होते हैं, इंजीनियर होते हैं, वो अधिशोषक पदार्थ यानी सक्रिय चारकोल का उपयोग करते हैं। राइट, जैसे आप देखते होंगे जो कोयले खदान होते हैं मित्रों, वहाँ पर बहुत ढेर सारे वर्कर जो होते हैं, वहाँ पर आप देखे होंगे जो मास्क लगाए होते हैं, वो उनको सुरक्षा प्रदान करता है। तो उस मास्क में एक अलग से अधिशोषक पदार्थ भी होता है ताकि वो इन गैसों को खींच सके, अपने अंदर अधिशोषित कर सके और नाक में जाने से व्यक्ति बच सके। फिर आता है गैस वाष्प में। गैस की वाष्प या जल वाष्प को हटाने के लिए सिलिका जेल या एलुमिना जेल का उपयोग किया जाता है। आप देख पा रहे मित्रों, गैस की वाष्प या जल वाष्प को हटाने, गैस की जो वाष्प है उससे, या जल वाष्प को हटाने के लिए सिलिका जेल या एल्यूमिना जेल का उपयोग किया जाता है। आप देखते हैं मित्रों, कभी कभी आप जब ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई चीज़ खरीदते हैं, सामान वगैरह, प्रोडक्ट वगैरह, तो उसमें आप देखते होंगे एक छोटी सी पुड़िया रखी होती, तो आप तो सोचते होंगे यार कोई मूसूस की पुड़िया है ताकि कोई जानवर काटे नहीं इसे। लेकिन दरअसल मित्रों, सिलिका जेल की पुड़िया होती है ताकि वो जल वाष्प और वाष्प से आपके सामान को सुरक्षित रखे। उसके बाद आता है रंगीन विलयन। ये क्या है? रंगीन विलयन का रंगहीन करने के लिए जंतु चारकोल का उपयोग किया जाता है। दरअसल मित्रों, कुछ विलयन भी ऐसे होते हैं जो कलरमय होते हैं, उन्हें कलरलेस करने के लिए यानी उनका कलर हटाने के लिए जंतु चारकोल का उपयोग किया जाता है। उसके बाद आता है औषधियों में जीवाणुनाशक के रूप में। औषधियों में जीवाणुओं को हटाने के लिए बहुत से अधिशोषक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। आप देख पा रहे हैं जो औषधियाँ होते हैं उनमें जीवाणुओं को हटाने के लिए बहुत से अधिशोषक पदार्थ होते हैं, उनमें इनका अच्छा खासा उपयोग किया जाता है। तो मित्रों, इस प्रकार से हम लोग सीख पाएँ, ये आपका नवा वीडियो था अधिशोषण के बारे में। और यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।